अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज मैं आपको न्यू बॉर्न बेबी हेड बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आपको ऊन चाहिए होगा और ये नीडल 3 या 4 साइज़ वाला नीडल, 4 साइज़ वाला नीडल्स हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको ऊन भी चाहिए होगा। ये बहुत ही प्यारा और बिल्कुल सही नाप का आपके न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये बिल्कुल सही आएगा और बहुत ही इजी है। चलें तो अब हम स्टार्ट लेते हैं। नाज़रीन, पहले हम इसमें मैजिक नॉट लेंगे। इस साइज़ इस तरह से आप इसको डबल ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसको फिर हम नीचे से खींच लेंगे। ऐसे इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से। और ये इसके लेने का मकसद ये है कि आप इसको तंग और खुला कर सकते हैं। अब हम पहले चेन लेंगे, 1, 2, 2 चेन। अब इसमें हम डबल स्टिच, 10 डबल स्टिच हम लेंगे इसके बीच में, नॉट के बीच में। 1, 2, 3, 4। आप चाहें तो आप इसको इस साइड से कर भी सकते हैं, लेकिन इसको हमने खींचना होता है इसलिए हम इसे बाहर छोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ग्रीन, ये मैंने 10 चेन इसमें ले लिए हैं डबल स्टिच के, 10 चेन। अब आपने इसको इस साइज इस तरह से खींच लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको खींच लेना है और ये इस तरह से हो जाएगा। अब आपने इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। यहाँ पर आप लेंगी स्लिप स्टिच, राउंड बन गया। फिर से डबल 2 चेन। और अब आपने नाज़रीन यहाँ से हर स्टिच में 2 डबल चेन लेनी है। एक ये स्टिच, इसमें 2 डबल चेन, इसमें 2 डबल चेन, सब में 2 डबल चेन। इस तरह से 1 डबल चेन, ये 2 डबल चेन इस एक में। अब इसमें भी 2 डबल चेन, 1 और ये 2। अब आपने सारा राउंड इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। अब मैं आपको कंप्लीट करके फिर से दिखाती हूँ। नाज़रीन, ये मैंने हर स्टिच में 2 डबल स्टिच लिए हैं और इस तरह मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ हमने इसको बंद कर देना है स्लिप स्टिच से। स्लिप स्टिच ये तो हो गया स्लिप स्टिच। फिर से 2 चेन, 1, 2, 2 चेन। अब आपने हर एक स्टिच में 2 नहीं लेने, आपने एक स्टिच में 2 लेने हैं और एक स्टिच में 1 लेना है। जैसे ये पहले से 1 हो गया, अब आपने इसमें 2 लेने हैं, 2 डबल स्टिच। अब इसमें 1 सिंगल स्टिच, इसमें फिर से 2 डबल स्टिच, अगले में फिर से 1 सिंगल स्टिच, यहाँ फिर 2 डबल स्टिच, फिर से 1 सिंगल स्टिच। नाज़रीन, ये मैंने ये राउंड में इस तरह से कंप्लीट करके आपको फिर से दिखा दी हूँ। नाज़रीन, ये मैंने थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया है। 1, 2, 3, ये थर्ड राउंड है। अब आपने इसको 1 चेन में डबल चेन और 1 में 1 चेन में सिंगल चेन। ये देखिए, इस तरह से इसमें डबल चेन और इसमें सिंगल चेन है, इसमें फिर डबल है, इसमें फिर सिंगल। ये पूरा राउंड कंप्लीट करके अब यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच लगा देनी है। स्लिप स्टिच, फिर से 2 चेन, 1, 2,
दो चेन, और अब आपने नाज़रीन एक चेन में डबल स्टिच लेनी है, एक दो, ये एक स्टिच में आपने दो डबल स्टिच, फिर इसमें अगले में हमने सिंगल स्टिच, इसमें हमने फिर से सिंगल स्टिच, दो सिंगल स्टिच, फिर से ये डबल स्टिच, हर दो सिंगल चेन के बाद फिर से दो डबल, एक डबल स्टिच, ये देखें, ये पहले डबल स्टिच, फिर दो सिंगल, एक दो, फिर से डबल, अब फिर से दो सिंगल, नाज़रीन इस तरह से ये राउंड में, ये फोर्थ राउंड में कंप्लीट करके आपको फिर से दिखा दी हूँ। नाज़रीन ये मैंने फोर राउंड कंप्लीट कर लिया है, 1 2 3 4, इसमें मैंने एक स्टिच में डबल स्टिच और दो में सिंगल, एक सिंगल, ये दो सिंगल, इस ये पूरा राउंड मैंने इस तरह कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हमने बंद कर लेना है, यहाँ पर स्लिप स्टिच लगा देनी है, इस तरह से स्लिप स्टिच, फिर से दो चेन, एक दो। अब ये हमने फाइव राउंड शुरू कर लेना है, ये किस तरह से हमने स्टार्ट लेना है ये आप मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसमें डबल स्टिच, डबल सिंगल, डबल क्रोचेट स्टिच, ये एक में हमने दो दो स्टिच ले लिए हैं। अब अगले वो एक दो तीन, इन तीनों में हमने सिंगल सिंगल स्टिच ले लेना है, एक दो तीन, तीन के बाद फिर से डबल स्टिच, इसी में फिर से दो स्टिच ले ले लेने हमने, फिर से तीन, एक दो तीन, इनमें सिंगल सिंगल स्टिच तीन ले लेने हैं, एक दो तीन, तीन के बाद फिर इसमें डबल स्टिच, ये इसी में देखें डबल स्टिच। अब ये फाइव नंबर राउंड भी कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ, एक दो तीन चार पाँच, पाँच नंबर राउंड में कंप्लीट करके फिर से आपको दिखाती हूँ। नाज़रीन ये मैंने फाइव राउंड कंप्लीट कर लिया है, 1 2 3 4 5, इसमें मैंने एक स्टिच में डबल स्टिच और तीन में सिंगल स्टिच लिए, इस तरह से ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से हम अटैच कर लेंगे, ये स्लिप स्टिच। अब इसमें आपने सिक्स राउंड से अब आपने हर स्टिच में सिंगल स्टिच ले लेना है, इस तरह पहले चेन, 1 2, ये अब इसमें आपने सिंगल स्टिच लेने हैं, हर स्टिच में एक सिंगल स्टिच, इस तरह से अब आप इस तरह से ये राउंड करते जाएं, ये आपका सिंगल स्टिच, हर स्टिच में सिंगल स्टिच, सिंगल डबल क्रोचेट स्टिच, इस तरह से ये आपका सिक्स नंबर राउंड है। अब आपने इस राउंड को कंप्लीट करके नाज़रीन आपने इस तरह के सिंगल ये सिक्स राउंड और इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करके 10 राउंड आपने कंप्लीट करने हैं, 1 2 3 4 5 6, सिक्स के बाद फिर आपने 11 राउंड कंप्लीट करने हैं, इसके साथ आपके 11 हो जाएंगे, सिक्स ये और सिक्स और फाइव और, तो ये आपके 11 राउंड बन जाएंगे, इस तरह से आपकी ये केप कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं आपको कंप्लीट करके 7 राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। नाज़रीन ये मैंने 11 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं, देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 राउंड इसके कंप्लीट हो गए। अब मैं यहाँ इसको बंद करती हूँ, इसका स्लिप स्टिच लगा देते हैं इसको, इस तरह से ये मैंने स्लिप स्टिच लगा दिया है, अब इसको हम बंद कर देते हैं इस तरह से। ये अब आपका न्यू बेबी
आपके बन गया है। अगर आप चाहें तो इसको इसके राउंड्स बढ़ा भी सकती हैं, इसको यहाँ से भी बढ़ा सकती हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकती हैं। अगर आप चाहें तो इसके राउंड ज़्यादा कर सकती हैं। ये हो गया आपका न्यू बेबी केप, ये केबी है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो और ये केप पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इससे ज़्यादा भी कोई और चीज़ चाहिए तो आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको बनाना सिखा देंगे।